देखो इस शीट में आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अगेन कुछ और क्वेश्चन जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। प्लस टू का पेपर हुआ कल फिजिक्स का, मतलब कैसा आया मालूम है? नहीं आया। कौन कहता है मुश्किल आया? मेरे हिसाब से, मैं जब से पढ़ा रहा हूँ ना, इससे आसान पेपर मैंने अपने ज़िंदगी में देखा ही नहीं होगा, इतना आसान। सुन लिया? मुझे नहीं पता तुमने किससे पूछा, मेरे से पूछ लो। मैंने इतना सीधा पेपर कभी नहीं देखा। मैं आपको शीट बाय शीट बता दूंगा, ये क्वेश्चन इस शीट नंबर में से पड़ा हुआ है, इतना आसान। मतलब हमने पेपर देखो, कई पेपर में खुद बोलता हूँ एनसीईआरटी मुश्किल पेपर डालता है, हमें नहीं पता होता कि कब डालता है, किस साल में डालता है, लेकिन वो तो पेपर के बाद ही पता लगता है शाम को, और अखबार के अंदर भी आता है न्यूज़पेपर में कि भाई फिर इसका पेपर मतलब है ट्रिकी, ऐसा आता है पेपर में जिस जिस साल आता है। तो मेरे हिसाब से तो पेपर बहुत सही आ रहे हैं इस बार, और थे भी 4 तो यूनिट यूनिट थे टोटल, उसमें से भी 25% सिलेबस कटा हुआ था। मतलब इससे छोटा सिलेबस तो मेरे ख्याल से किसी ने स्टडी किया ही नहीं होगा प्लस टू में हिस्ट्री में। 4 यूनिट कोई कहे यार लो इलेक्ट्रोस्टैट तो कंप्लीट भी हो गया, ऐसे ही 2 और करने हैं, इतना ही सिलेबस था बस, और उसमें अंदर भी सिलेबस के काफ़ी पोर्शन कटे हुए थे, तो आसान पेपर था। तो इतना मतलब वो नहीं था, तो कहने का मतलब आसान मतलब कि ये है कि जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए आसान था, इसका मतलब ये नहीं था सर ने कहा आसान तो आसान है यार क्या टेंशन है कर लेंगे। आसान का मतलब जिसने दिल से सीबीएसई की तैयारी की उसके 90 से ऊपर आएंगे, 95 90 इस कैटेगरी में जाएगा वो। जो नहीं पढ़ रहा हाँ वो फेल नहीं होगा, वो पास हो जाएगा, इतना क्या है। ऐसा आसान का मतलब ये होता है, आसान का ये नहीं होता कि चलो तेरे भी 90 मेरे 90 सबके 90 90 90, ये नहीं होता आसान की डेफिनेशन है, क्योंकि बहुत बच्चा मेहनत करता है 1 साल, और जब उसके 90 के 89 रह जाते हैं ना एक नंबर से तो उसको बहुत चुभता है। 90 जो 95 की कैटेगरी का बच्चा है ना, उसका 1 89 उसको पूरी ज़िंदगी चुभता रहेगा कि 89 आ गए मेरे, हालांकि नंबरों की रेस नहीं है कोई भी। ऐसे ही उसको मन से लगता है कि यार भाई 9 की लाइन में आने चाहिए, किस तरीके से ऐसे होता है ना। तो आप अगर ढंग से तैयारी करें और सैम्पल पेपर प्रॉपर करें, पुराने पेपर करें, तो बढ़िया रिजल्ट आता है, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, बस ये याद रखना। डेली पढ़ना, टेस्ट, आज भी टेस्ट है, ट्यूसडे को भी टेस्ट है, टेस्ट ही टेस्ट है, तो टेस्ट ही टेस्ट है। 100 से ऊपर टेस्ट रिपोर्ट कार्ड में दिखा दूंगा आपको, तो 100 बहुत होते हैं टेस्ट यार, 365 दिन में 100 टेस्ट बहुत है, रट जाएगी फिजिक्स को, टेंशन नहीं, टेस्ट ले लेंगे ठीक है। अभी तो एक एक दो तो फ्लक्स का दौरा हो रहा है, अभी तो पता नहीं कितने ही होने हैं, फिर से दौरा दौरा, फिर से अगेन रिपीट रिपीट, बोर हो जाओगे बुकलेट से। यही तो करवाना है कि सब कुछ याद हो जाए। देखो एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर ऑफ 300 न्यूटन पर कूलम इज डायरेक्टेड अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस तो मेरी तरफ आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे नॉर्मली ना इलेक्ट्रिक फील्ड राइट ही जा रहे होते हैं, ये पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ आ गया। यहाँ थोड़ा ट्रिक है, हमें आदत यहाँ काम करने की है, हमें आदत ऐसे काम करने की नहीं है, मैं बताता हूँ उसने क्या किया ठीक है। अब वो कह रहा है ए बी सी इसमें 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, कोई मुझे बताएगा अगर मैं एक लाइन खींच दूँ ए और बी में से तो ए और बी का पोटेंशियल विल सेम रिमेन सेम या नहीं? सेम, क्यों? उस लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल लाइन, राइट, इक्वी पोटेंशियल लाइन। आगे तो क्या कह रहे हैं इसमें, तो ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी ए बी, ओके ए और बी के बीच में क्या निकालना है? पोटेंशियल का डिफरेंस। लो आप होशियार हो, जब पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या आएगा? 0। तो आंसर 0 सही हो गया, कितना सही क्वेश्चन है, 0। नेक्स्ट क्या निकालना है? सी और ए के बीच में निकालना है, सी और ए के बीच में निकालना है। एक बात बताऊं, सी और ए के बीच में निकाल लो या सी और बी के बीच में निकाल लो, बात एक ही है, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल यहां पर भी वी है, यहां पर भी वी है, तो इन दोनों का भी सेम है और इन दोनों का भी सेम आएगा, कोई डाउट? तो मैं ऐसा करूं सी और बी का निकाल लूं, ठीक, तो मैं सी और बी का निकालूंगा, तो ऑब्वियसली मैं क्या लगाऊंगा सी और बी के बीच में? ई माइनस डी वी बाय डी एक्स। अब इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 300, इलेक्ट्रिक फील्ड 300 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 300 है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कहां है? राइट की लेफ्ट? लेफ्ट है। जबकि आप जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होता है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना भी होगा, तो 300 आई कैप लिखते हैं,
लेकिन अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो 300 माइनस आई कैप लिखेंगे, पॉइंट समझ में आ रहे हैं। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो आपके सामने इस तरफ है, और आप अगर मींस एक कहां से कहां जा रहे हैं, बी से ए पे जा रहे हैं, तो डीएक्स क्या बनेगा, माइनस तीन माइनस चार। तो ये समझ में आ रहा है, माइनस तीन माइनस चार। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा वीसी माइनस वीबी। आप ऐसे जा रहे हैं ना, तो वीसी माइनस वीबी, तो ये रहा आपके पास वीसी माइनस वीबी। तो वीसी माइनस वीबी का मतलब डेल्टा वीसी भी यही निकालना है मुझे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। तो आंसर आ गया, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक। तो बस इसमें यही एक डिफरेंस था। और अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता कि क्या लगे, माइनस लगेगा नहीं लगेगा, तो आप एक काम करें, आप ना वेक्टर में लिखना शुरू कर दें, ई की जगह लिखें माइनस 300 आई कैप, माइनस आई कैप, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और अगर राइट की तरफ है तो प्लस 300 आई कैप। पॉइंट क्लियर है, इसे गलती नहीं होगी आपकी। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं यहाँ तक। तो ये एक एक ही क्वेश्चन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स लेफ्ट मिलेगा, ज्यादातर क्वेश्चन में राइट ही मिलता है आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, तीन पॉइंट्स हैं ए बी सी, ओके ए बी सी दिख रहा है मुझे, तो ये पांच है, तीन है, तो ये चार है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 5×10³, ठीक है, ई गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। अब सेम प्रॉब्लम है, एक बात बताओ, ए और सी में निकालना है ना, तो सी और बी विल बी एट सेम पोटेंशियल, क्योंकि अगर मैं इमेजिनरी लाइन यहाँ खींचूं तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है उसको इक्विपोटेंशियल लाइन बोलते हैं। तो यानी कि सी का और बी का पोटेंशियल विल रिमेन सेम। तो अगर मुझे सी और ए का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैं बी और ए का निकाल दूं, बात एक ही है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो बी और सी का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली सेम है, तो कर लो ना, करो, ये तो मैंने सॉल्व ही नहीं किया हुआ है, तो आप ही का क्वेश्चन है, करो, लगाओ E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, लगाओ आंसर, आ रहा है कि नहीं आ रहा चेक करो। तो ए और बी में लगा लेते हैं ना, ए से लेके बी तक, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। ई क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ई की जगह 5×10⁻³ कितना 3, माइनस डी वी तो निकालना ही है आपको, और डी एक्स में क्या आएगा यहाँ पर, ये कितने सेंटीमीटर है 4, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। हाँ, तो 4×10⁻², राइट, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी वी कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, डी वी पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? नेगेटिव, क्या सच में नेगेटिव आएगा? क्यों आएगा यहाँ आपको, ये तो पता दिख रहा है मुझे नेगेटिव आएगा डायग्राम से। कम होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, टूवर्ड्स राइट, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, कम, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो बिल्कुल सही आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो मतलब आप वेरीफाई भी कर सकते हो मन में, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में स्पेशली कंफ्यूजन हो रही है ना कि पॉजिटिव लूँ कि नेगेटिव लूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जा रहे हो तो वैसे ही पता लग रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इसमें क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो फाइनल माइनस इनिशियल विल बी नेगेटिव। तो क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, ये तो हमने एक ऐसा कर लिया था पार्शियल डेरिवेटिव वाला, राइट, तो एक बार ट्राई करना इसे आप अपने आप। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, फिगर शोज सम इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। मैंने बताया था लास्ट टाइम ये स्फेयर्स क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। तो ये स्फेयर जो है इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस हैं, और इनका रेडियस आपको गिवन है, 10 भी है, 20 भी है, और 30 भी है, एंड सो ऑन। ये जो शेल या स्फेयर है, ये 60 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल सर्फेस है, ये 30 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल सर्फेस है, ये 20 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल सर्फेस है। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं और अलग अलग वोल्ट्स पे हैं, राइट, यहाँ तक क्लियर है। और जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हो आपका पोटेंशियल गिर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज पड़ा होगा, तो पॉइंट चार्ज की वैल्यू मान लो कितनी है, क्यू है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है,
टेक क्या करना है इसमें, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन मैं बता सकता हूँ, पोटेंशियल बाहर की तरफ जाते हुए क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहीं होगा जहाँ पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज, क्योंकि आपका पोटेंशियल बाहर की तरफ जा रहा है, कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, क्लियर है। वैल्यू बतानी है, अब यार वैल्यू बतानी थी, आसान थोड़ी ना, वैल्यू कहाँ बतानी है पूछा ही नहीं, वैल्यू कहाँ बताऊँ पता नहीं, तो इसका मतलब वैल्यू तो चेंज होगी ना, क्यू चार्ज से आप कितनी दूरी पे हो उसी हिसाब से वैल्यू आएगी। तो अगर आप क्यू चार्ज से, क्यू इज अ पॉइंट चार्ज, आर दूरी पे हो तो ई की वैल्यू क्या आएगी, 1/4πε0Q/r। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर वेरिएबल आंसर ही आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, क्योंकि ई की वैल्यू वो पूछ रहा है कहां पर, वो बता नहीं रहा कहां पर, तो मैं तो एक आर्बिट्ररी डिस्टेंस ही लूंगा ना, तो आर्बिट्ररी डिस्टेंस में क्या लूंगा, आर ले लूंगा, तो मेरा आंसर आएगा 1/4πε0Q/r2। नहीं 10 तो सिर्फ इसी का है, पहले वाले का 10 है, ठीक, मैं बता रहा हूं कैसे आएगा। अच्छा क्यू और आर की हेल्प से, फर्स्ट इससे वही कर रहे हैं, एक ट्राई कर रहा हूँ, यहां तक क्लियर है, पहले बताऊं, मैं नेक्स्ट टाइम वही बता रहा हूँ कि क्या किया हुआ है, यहां तक क्लियर है। तो मेरा आंसर ये बिल्कुल वेरिएबल की फॉर्म में आएगा, मेरे हिसाब से फिक्स्ड वैल्यू आएगी नहीं मेरे को लगता है, क्योंकि आप कहां पॉइंट मेंशन नहीं कर रहे हो, तो आप अगर मुझे फिक्स वैल्यू दोगे तो आप इसके ऊपर दे सकते हो ज्यादा, मैं पूछूंगा नहीं मेरे को तो यहां निकालनी है, फिर आप क्या बोलोगे, आप कहोगे सर आर तो दो, मैं कहूंगा आर तो है नहीं, आप कहोगे सर आर की फॉर्म में आंसर आ गया, तो क्लियर है। हाँ क्यू इसमें गिवन नहीं है, मैं शायद क्यू फिर भी निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अगर ये पॉइंट चार्ज है क्यू, और पॉइंट चार्ज के 10 सेंटीमीटर दूर मुझे पोटेंशियल पता है कितने वोल्ट है, 60 वोल्ट है, तो 60 को लिखा जा सकता है ये रहा 1/4πε0Q/r, मैं लिख सकता हूं इसमें, कोई डाउट इसमें, ठीक है। हाँ ये भी कर सकता हूं कि क्यू की वैल्यू मेरे को इस क्वेश्चन में, आर की वैल्यू भी मुझे गिवन है कितनी, ये कितने सेंटीमीटर है 10, तो मैं यहां से सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकता हूं, चार्ज क्यू, राइट, ये तो मतलब मैं क्यू तो फिर भी निकाल सकता हूं, तो जो भी क्यू की वैल्यू आएगी मैं यहां पुट कर सकता हूं, लेकिन मैं आर को अभी भी निकाल नहीं सकता, क्योंकि आर की वैल्यू कहां निकालना है ही मुझे मालूम नहीं है, तो आर को आर रखूंगा, इस इक्वेशन से क्या निकालूंगा क्यू, उस क्यू को यहां पुट करके अपना आंसर कैलकुलेट कर लूंगा, समझ में आ रहे हैं यहां तक, तो पॉइंट सबको क्लियर है कि मैं इसमें क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई डाउट इसमें, तो इसमें लिख लेना, मॉडिफाई कर लेना, क्योंकि ये पता नहीं मुझे इस सॉल्यूशन थोड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा है, तो आप यहाँ से लिख लेना इस इक्वेशन के ऊपर आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर करके फाइंड क्यू, क्यू और इस क्यू को यहाँ पुट करके फाइंड आर, फाइंड ई इन टर्म्स ऑफ आर, राइट, तो हिंट लिख लेना, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन रहेगी इसमें, क्लियर है। डिवाइड कर लो, हाँ डिवाइड कर लो, चलो फिर एक स्टेप बच जाएगा, क्यू निकालने वाला स्टेप बच जाएगा, अगर आप डिवाइड कर लोगे, डिवाइड कर लोगे तो ये डिवाइड करके क्यू से क्यू ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, आपको पुट करने की जरूरत नहीं है, और एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो उस हिसाब से फिर ई इन टर्म्स ऑफ आर आ जाएगा, कर सकते हो वैसे यार, ये गलती आर स्क्वायर, ये आर आएगा मेरे को लगता है, यहाँ करेक्शन होगी फिर, यहाँ पर ना ये आर स्क्वायर नहीं आएगा, एक आर कट जाएगा, ये आर, अच्छा ऐसा है, ओके, तो डिवाइड कर लोगे फिर आंसर आ जाएगा, ये भी ठीक है, क्यों मत निकालो, डिवाइड कर लो, आंसर डन, क्लियर है यहाँ तक, कितना है, ओके करेक्शन, ओके, कुछ तो कुछ गड़बड़ थी मुझे पता है इस क्वेश्चन में, मुझे पता नहीं क्या गड़बड़ थी, ऐसा ही कुछ था, चलो आप इसे डिवाइड कर लेंगे, ई और वी की क्वेश्चन को डिवाइड कर लेंगे आंसर, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहाँ तक, तो आर की फॉर्म में आंसर छोड़ के आना, बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन है या इक्विपोटेंशियल सरफेस है, देखो जो सरफेस होती है वो ऐसी होती है फ्लैट, मतलब प्लेन, लाइन एक लाइन होती है, तो आप कुछ भी बोलो इक्विपोटेंशियल सरफेस है या जो भी लाइन है, ये वी 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 वी, तो मैंने क्यू नॉट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर रखा, तो मैंने बता दिया था ई परपेंडिकुलर टू डी आर आएगा, बताया था ना, इक्विपोटेंशियल की प्रॉपर्टी थी कि इक्विपोटेंशियल की अगर ये लाइन है, इस इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर ही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, तो ये तो मैंने बता ही दिया था ई परपेंडिकुलर टू डी आर,
तो यानी कि अगर ये इक्विपोटेंशियल लाइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। अच्छा ये मैंने लास्ट टाइम बता दी थी, पर मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे की हुई है। क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हर किताब में दिखेगा आपको, और अगर आपने नहीं ट्राई किया तो आप कर नहीं पाओगे, तो आपको एक बार देखना पड़ेगा इसे कैसे। ये कुछ लाइंस आपको क्वेश्चन में दे रहा है और ये सारे की सारी लाइन इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं, जिसमें कि 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, या ऐसे बोल लो 30, 20 और 10। तो पोटेंशियल यहां पे आते हुए अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। मानते हो पोटेंशियल कम हो रहा है? तो अगर यहां पोटेंशियल कम हो रहा है तो कितने लोग एग्री करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, ये देखो, इसके परपेंडिकुलर होगी और ऐसी होगी, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइंस, तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो बन गई ना इक्वी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस। अब मुझे कैसे पता लगा कि डायरेक्शन इधर होगी, क्योंकि पोटेंशियल क्या हो रहा है, इस तरफ कम हो रहा है। तो जहां पोटेंशियल कम होगा, इक्वी पोटेंशियल जो पोटेंशियल की वैल्यू जहां कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस भी उसी तरफ होगी। कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट है। तो ये 10 सेंटीमीटर पे है, ये 20 पे और ये 30 पे है, 10, 20 और 30। ये भी क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, एंगल कितना है इस पे, 30 डिग्री है। ये भी क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई निकालना है। आपको वैल्यू निकालनी है ई की क्या होगी। ये तो सबको समझ में आ रहा है कि यहां पर ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीआर लगने वाला है, ठीक है? तो कैसे लगेगा, इसका स्टाइल देख लो। मैंने ये ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ की इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्लियर है, राइट? तो एक लाइन मैंने जान के यहां से पास की, एक यहां से पास की, एक यहां से और एक यहां से पास की, मतलब इन तीनों में से पास की जहां पर वो डिस्टेंसेस गिवन है, राइट? क्लियर है? कुछ सॉल्व भी तो करना है, हवा में कहीं भी पास कर दूंगा तो डिस्टेंस कैसे निकालूंगा। तो मैंने एक लाइन यहां से की, एक यहां से की, एक यहां से कर दी, राइट? तो इसमें आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाना चाहते हैं ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। लेकिन एक बात बताएं कि ये कोई भी दो पॉइंट्स ले लेते हैं आप, मान लेते हैं आपने दो पॉइंट्स लिए और वो दो पॉइंट्स कौन से हैं, एक ये लिया और एक ये ले लिया, बस ये रहा। तो आप यहां से यहां जा रहे हैं, क्लियर है? जब आप यहां से यहां जा रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज डी आर, और डी आर कितने सेंटीमीटर का होगा, 20 में से 10 गया तो 10, तो डी आर तो 10 पता लग गया सबको, कोई डाउट इसमें? तो डी आर की वैल्यू 10 आ गई इसमें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ने, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ने डी आर के साथ क्या एंगल बनाया, 30, तो इसका 30 है, ये 30 है, और ये इक्विपोटेंशियल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल क्या होता है, 90, तो ये 90 है, ये 90 है, ये 30 है, तो कुल मिला के क्या हुआ, 120 हो गया। कोई डाउट इसमें? तो यहां पर ये जो एंगल है किसका, ई वेक्टर एंड डी आर वेक्टर कितना है, 120 है, राइट? कोई डाउट इसमें? आपने जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए ना, उसमें आपने कोई भी दो पॉइंट्स कहां लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लिए। तो जब आपने दो पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लिए ना, तो ई में और डी आर में हमेशा एंगल जीरो ही बना, तभी तो आप बड़े आराम से लगा रहे हो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। पर ये पहला क्वेश्चन है जिसमें ई में और डी आर में एंगल जीरो नहीं बना, कितना बना, 120 बना। तो अगर ये 120 बना तो फिर फॉर्मूला ई इज माइनस डी वी बाई डी आर, नहीं, ई कॉस थीटा इज माइनस डी वी बाई डी आर, याद है, प्रूफ करवाया था मैंने, और मैंने कहा था ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर तो स्पेशल केस है, एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। कोई डाउट इसमें? तो एंगल इसमें कितना है, 120, क्लियर है? तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें E इज माइनस डी वी बाई डी आर नहीं है, E cos थीटा इज माइनस डी वी बाई डी आर है, क्लियर है यहाँ तक? तो थीटा इसमें किसका किसका एंगल होता है, E का और डी आर का, और यहाँ पर E और डी आर का एंगल कितना है, 120, तो E cos 120 माइनस डी वी बाई डी एक्स, एक्स इसलिए क्योंकि एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है। तो यहाँ पर E cos ऑफ 120 कितना होता है, माइनस हाफ। डी वी की वैल्यू क्या होगी, एक काम करते हैं, dv की वैल्यू के लिए आप मान लो यहां से यहां जा रहे हो, तो ये आपका क्या होगा, फाइनल पॉइंट होगा, और ये आपका क्या होगा, इनिशियल पॉइंट होगा। जो फाइनल पॉइंट है वो कितने पोटेंशियल पे चल रहा है, ओके, जो फाइनल पॉइंट है, यानी कि ये जो फाइनल पॉइंट है
वो कितने पोटेंशियल पे है? 20। जो इनिशियल पॉइंट है उसका पोटेंशियल कितने है? 10। तो क्या बनेगा? 20 - 10। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? और डिस्टेंस में क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 20 - 10। यहां तक क्लियर है? तो सॉल्व करके ई कैन बी कैलकुलेटेड। सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट जरूर कर लेना। कोई डाउट इसमें? तो सबको ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है? कोई डाउट इसमें? तो बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो आपको ध्यान रखना है कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन वाला क्वेश्चन में ई नहीं लगेगा, ई कॉस थीटा लगेगा। ठीक है, खत्म होगी क्या शीट? ये खत्म होगी। चलो एक और शीट आपके खाते में ऐड हो गई कि आपने 24 नंबर शीट कवर कर ली। ठीक है, प्लस वन के अंदर बहुत शीट थी, 100 कोई याद है, 150 से ऊपर थी शायद, 160-170 होंगी। प्लस टू में 125 से कमी है, प्लस टू की कम है, तो अच्छी बात है। तो इतनी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कम लिखी है। प्लस वन का न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत हाई है। आप, मैंने बताया ना, प्लस आपने कई प्लस वन देख ही ली, हर एक बात करते थे चलो दो न्यूमेरिकल। अभी आधी बात भी नहीं करता था टीचर, चल चार न्यूमेरिकल, तो एक लाइन मोशन कराता था, वो शीट पर शीट तैयार हो जाती थी। इसमें ऐसा नहीं, आपने देखा होगा टॉपिक के साथ साथ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, और वॉल्यूम टू में थोड़े कम न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसमें एटम्स और थ्योरी ज़्यादा आ जाती है। बट पॉइंट क्लियर है। तो आपका जो कॉम्पिटिशन है वो, लेकिन वो बराबर हिस्सों में बटा हुआ है, और हर सेगमेंट का इक्वल मतलब वेटेज है, तो बहुत ध्यान से पेपर बनाया जाता है। तो आप कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते हो इसमें, तो आपको सारे टॉपिक करके ही जाने हैं। तो क्लियर है यहाँ तक? तो ये शीट नंबर कौन सी थी? 24 हो गई। 25 एक मिनट ओपन करके देख लेता हूँ, नहीं तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं इसकी आज हम। 25, हाँ